माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए 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 ना, वो से मैं बता, मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए, मेरी बात तो आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा, परंतु ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु ये 12 स्थानों तक हिंसा रुकी रही। मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। दूसरा, समय सारणी मान्यवर, लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई, 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये रायट चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं, मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब, कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा है।